Good morning students, welcome back to your online classes. As we already started about the decimal, some concepts of the decimal, we are going through the chapter number 7, that is decimals. And what we already studied about expanded form, how to convert from number name to the numerals, equivalent fraction, equivalent decimals and many more things. Okay, so हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी. एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने आपको दो तरीके से बताई थी, फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े, हमने कन्वर्जन पढ़ा नंबर नेम से उनके न्यूमरल्स में एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज टूडे, एक्सरसाइज 7.1 एंड विद द क्वेश्चन नंबर 1. What is written in the question number 1? Just open your book everyone and go through your book. The question is there in your book. What is written here? Write the following fraction in decimal form. यहाँ पर मुझे fractions दे रखे हैं और मुझे इन्हें किस form में लिखना है? Decimal form में लिखना है. Okay. मुझे यहाँ पर क्या दे रखे हैं? Fractions दे रखे हैं और मुझे इन्हें decimal form में लिखना है. So, let's start with the first. That is 12/10. Okay. यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं इसे चेंज करने के. पहला तो है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए. मैंने आपको दोनों तरीके लास्ट वीडियो में सिखाए थे, मैं अगेन दोनों तरीके आपको बता रही हूँ. वन इज़ अ शॉर्ट ट्रिक एंड अदर वन इज़ थ्रू डिवीजन मेथड. ओके, डिवाइड करके. तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ. 12/10 में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. तो आप यहाँ साइड में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए. 10 × 1 = 10, माइनस करा 2 बचा. अब 10 से 2 तो कट हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, पॉइंटर. जैसे ही मैं पॉइंट लगाती हूँ मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. तो 10 × 2 = 20, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. ये मेरा आंसर क्या आया, 1.2. व्हाट इज़ द आंसर, 1.2. नेक्स्ट मेथड इज, मैं इस वर्ड को एज इट इज़ लिखती हूँ, जितनी ज़ीरो होती हैं उतने नंबर काउंट करती हूँ और पॉइंट लगा देती हूँ. यहाँ पे मेरी एक ज़ीरो है, मैं यहाँ से एक नंबर काउंट करूँगी 1 और क्या लगा दूँगी, पॉइंट. सो द आंसर इज़ 1.2. तो आप किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर क्या आएगा, 1.2 ही आएगा. सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बी पार्ट. वॉट इज़ बी पार्ट, 7/100. ओके, वॉट इज़ बी पार्ट, 7/100. सिंपल है, मैं 100 से 7 को डिवाइड करूंगी, 100 से 7 को डिवाइड करूंगी. 700 से 7 कट नहीं होगा तो पॉइंट लगाऊंगी 0. 100 से 70 भी कट नहीं होगा तो एक और 0 एंड अगेन 1 0. तो 107 × 700. सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम एंड व्हाट द रिमाइंडर इज, 0. सो द आंसर इज 0.07. अगेन कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज 7/100. I will write 7 here, then count the 0, 1, 2. तो मुझे कितने नंबर काउंट करने हैं, 2. 1, 2. And after 2, I have to put a point. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, that means 0. तो what it becomes, 0.07. हम पॉइंट से पहले जब कुछ नहीं होता तो 0 लगा लेते हैं, it will be convenient for us. Okay, 0.07. Now let's come to the next part, that is C part. What it is, 125/1000. What it is, 125/1000. So I will just divide it here. Denominator से numerator को divide करूँगी. 1000 से ये divide नहीं होगा. Then I will put a point here and a 0. Now 1000 × 1000. After subtraction, what it remains, 250. Now I will put a 0 again and 1000 × 2000. पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम जीरो पुट करते रहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज 500. अगेन 500 इज नॉट डिविजिबल, सो वी विल पुट 10 अगेन एंड व्हाट इट बिकम्स, 5 × 5000. डिवीजन सबको आता है ना. व्हाट इज द रिमाइंडर, 0. सो व्हाट विल आई गेट, 0.125, नॉट 125, इट्स 125. नाउ If I go through the next method, 125/1000, then I will write 125 here, count the 0, 1, 2, 3. Now count the number 1, 2, 3. After 3, I will point, just mention a point and what it becomes, 0.125. Okay. So now, I am just
पुटिंग सम इमेज हेयर, ओके। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस डाल रही हूँ, उन इमेजेस को देखिए ध्यान से। फर्स्ट इज़ फॉर योर 12/10। अब आपको दिख रहा होगा 12/10 आपको फ्रैक्शनल शेडेड फॉर्म में, शेडेड पोर्शन में शो किया हुआ है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू योर एवरी वन हाउ इट बिकम्स 1.2, क्योंकि 12 में 10 बॉक्सेस कंप्लीट हैं, सो इट बिकम्स 1। एंड आफ्टर दैट वी विल पुट अ डेसिमल पॉइंट, और अगर नेक्स्ट वाले कॉलम में देखें तो 10 में से सिर्फ 2 पार्ट शेडेड हैं, तो इट बिकम्स 0.2, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 1.2। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 100 पोर्शंस है, 100 में से 7 क्या है शेडेड है। सो व्हेन वी राइट इट इन पॉइंट्स, मैंने आपको सिखाया था शेडेड पोर्शन को जो पॉइंट्स में लिखते हैं, हाउ इट बिकम्स 0.07। कितने पोर्शन हैं आपके सिर्फ शेडेड, 7 पोर्शन है आउट ऑफ 100, सो इट बिकम्स 0.07। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 1000 बॉक्सेस में से कितने शेडेड है, 125। सो हाउ वी विल राइट इट, 0.125, ओके। आपको शेडेड पोर्शन कैसे लिखे जाएंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इमेज ऐड करके आपको दिखा दिया है, ओके। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, 75/1000, ओके। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ सिंगल मेथड हेयर नाउ इन दिस पार्ट, मैं एक ही मेथड से बता रही हूँ, आप नेक्स्ट मेथड से, अगर आप दोनों में से किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आएगा, और दोनों मेथड से आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके दोनों मेथड ठीक है, ओके। 1, 2, 3, 1, 2 and 3, एंड आई विल पुट हेयर अ पॉइंट, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, आई विल पुट अ जीरो, वॉट इट्स बिकेम 0.075। आई एम पुटिंग अ इमेज देयर एंड जस्ट गो थ्रू द इमेज, इट विल बी क्लियर टू यू। 1000 में से ओनली 75 पोर्शन आपके शेडेड हैं, सो इट बिकम्स 0.075। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पार्ट इज इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। मुझे यहाँ पे नंबर नेम दे रखे हैं, फिगर्स में लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट 507.345, ये मैंने आपको रीकैप एक्सरसाइज में भी कराया था, अगेन बता रही हूँ कैसे लिखा जाएगा, 507.345, ओके। सो 507, ये तो आपको सबको पता है कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा है पॉइंट, उसके बाद 347, वेरी सिंपल, आपको डायरेक्ट लिखना है जो भी आ रहा है। नेक्स्ट इज 8.059, 8.059, सो व्हाट इट बिकम्स, 8.059, सिंपल। नेक्स्ट इज सी पार्ट, 0.0327, सो व्हाट इट बिकम्स, पॉइंट After that 0, after that 3, after that 2 and after that 7, that is the answer. Now D part, 4003.162, 4003.162, so 4003 ऐसे लिखा जाएगा, सबको पता है, उसके बाद क्या दिया है उन्होंने point and 162. So 162, that is the answer. Now let's come to the next question, that is question number 3. Write the place value of each digit in each of the following decimal. आपको place value लिखनी है नीचे given हर part के लिए, okay. So आप अलग अलग place value भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक simple तरीका बताऊंगी, आप क्या करेंगे, एक place value table बनाएंगे यहाँ पे, okay. What you will do, make a place value table, 100 place, after that 10th place, after that 1's place, after that decimal आ जाएगा आपका बीच में, point, उसके लिए एक छोटा सा कॉलम खुद बना लेंगे, and after that 10th, 100s and 1000s, okay. So first number is, A part is 24.317,
सो पॉइंट की कॉलम में मैं पॉइंट लगा दूंगी. ओके, वंस प्लेस इज 4, टेंथ प्लेस इज 2. नाउ अब पॉइंट के बाद आ जाते हैं. टेंथ प्लेस पर 3 है, 100th प्लेस पर 1 है और 7th प्लेस पर 1000th प्लेस पर. सो इट्स डन विद द 24.317 प्लेस वैल्यू. आपको पता चल गई हर नंबर की अलग अलग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट. व्हाट इज गिवन इन द बी पार्ट? 183.021. सो वी विल मेक द टेबल 100, टेंस, वंस एंड हेयर आई विल पुट द डेसिमल आफ्टर द टेंस आफ्टर हंड्रेड्स एंड आफ्टर दैट थाउजेंड. ठीक है, जस्ट कंप्लीट दैट. यू कैन मेक कॉलम हेयर विद द हेल्प ऑफ योर स्केल सो दैट टेबल इज प्रिटी मच क्लियर टू यू एंड जस्ट पुट अ मार्क हेयर ऑल्सो सो दैट इट विल लुक गुड. ओके, नाउ 183. सो 1 इज 100th प्लेस, 880 दैट मीन्स 10th प्लेस, 3 मीन्स 1st प्लेस. आफ्टर दैट अ पॉइंट इज देयर. नाउ एट 10th प्लेस वॉट इज इट? 0. एट 100th प्लेस 2 एंड एट 1000th प्लेस 1. सो दिस इज द प्लेस वैल्यू टेबल फॉर योर बी पार्ट. नाउ देयर इज अ सी पार्ट एंड अ डी पार्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. वॉट इज आर नेक्स्ट पार्ट? सी पार्ट. वॉट इज रिटन इन द सी? 1.0005. सो 1 मीन्स वंस, आफ्टर दैट पॉइंट, 10th प्लेस 0, 100th प्लेस 0, 1000th प्लेस 0 एंड 10,000th प्लेस इट्स 5. नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 0.429. मैंने इस बार पूरी यहाँ पे नंबर का कॉलम बना लिया है. आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे चारों पार्ट के लिए. ओके, सो 0 एट 10th प्लेस, एट 1st प्लेस इट्स 0, आफ्टर दैट पॉइंट 10th प्लेस इट्स 4, 100th प्लेस इट्स 2 एंड 1000th प्लेस इट्स 9 एंड इट्स कंप्लीटेड. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. आई होप इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू. सबको समझ आ रहा होगा. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 4? जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. Write each of the following decimal in expanded form. Now I have to write them in expanded form. You all know how to write them in expanded form. You have two methods to write them in expanded form: fractional form and decimal form. So in which form we are going to write it? We will write it in decimal form because it's our decimal chapter. So we will write that in decimal form. Okay. Let's start with the question number 4. First part is 14.87. A part is 14.87. So you all know it's 10th place, that means 10. It's 1 place, that means 4. And what about this place? 8. It's 10th place, that means 8 upon 10. But it is in fraction. 8 upon 10 is in fraction. वी हैव टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म. 8/10 हम लिखेंगे तो वो फ्रैक्शन हो गया, लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल की फॉर्म में. सो वॉट इट बिकम? 0.8. आफ्टर दैट 0. 10th प्लेस पर 0 आ जाएगा एंड 100th प्लेस इज 7. इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 284.58. सो 200, 100th प्लेस, 80 एंड 4. इट्स डन. नाउ कम टू द पार्ट आफ्टर द डेसिमल. ओके, फॉर 5 इट इज एट 10th प्लेस, दैट मीन 0.5. 8 इज एट 100th प्लेस, दैट मीन 0.08. जो 100th प्लेस पर होगा उसे 100th प्लेस पर लिखेंगे, जो 10th प्लेस पर होगा उसे 10th प्लेस पर लिखेंगे. दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. दैट्स ऑल फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म. 104.03. नाउ लेट्स कम, 100 प्लस 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 1st प्लेस पर 4 प्लस आफ्टर डेसिमल. 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 है. व्हाट प्लेस इट इज नाउ? 100. देखिए 100 था मेरे पास, 10th प्लेस पर कुछ नहीं था, 0 था, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा. 1st प्लेस पर 4 था, मैंने लिख दिया. 10th प्लेस पर मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने नहीं लिखा. 100th प्लेस पर था तो मैंने लिख दिया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 27.012. 27 प्लस 10th प्लेस पर कुछ नहीं है,
नाउ कम टू द वंस हंड्रेड्स प्लेस 0.01, कम टू द थाउजेंड्स प्लेस 0.002, एंड इट्स डन विद द एक्सपेंडेड फॉर्म. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल फॉर्म. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी है. इट इज प्रीटी मच विजिबल टू ऑल ऑफ यू, जस्ट गो थ्रू इट. ये आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी है और आपको किस में लिखना है इसको, डेसिमल में लिखना है. ओके, फ्रैक्शन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, आपको इस वाली डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, 40 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100. इट इज वेरी इजी. 40 यहाँ पे इक्वल्स रहेगा 40 देन 6, इट बिकम्स 46. अब मेरा डेसिमल पार्ट शुरू हो गया तो पॉइंट, टेंथ प्लेस पर 4 है एंड हंड्रेड प्लेस पर 8 है. डन, इट इज सिंपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बी पार्ट. 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 1000. नाउ इट्स वेरी मच क्लियर, 578, सो इट बिकम्स 578 आफ्टर दैट पॉइंट. टेंथ प्लेस पर कुछ नहीं है सो वी पुट 0. हंड्रेड प्लेस पर 1 है एंड थाउजेंड प्लेस पर 6 है, सो इट बिकम्स 578.016. नाउ नेक्स्ट, दैट इज सी पार्ट. 100 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 1000. ओके, तो इट इज़ प्रिटी मच विजिबल, सबको पता है, प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल दैट इट इज़ 146. ये तो स्टार्टिंग का पोर्शन तो सबको ही पता है एक्सपेंडेड फॉर्म से कैसे चेंज हुआ. ठीक है, उसके आगे का देखते हैं आफ्टर पॉइंट. टेंथ प्लेस पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है सो वी विल पुट अ जीरो हेयर. हंड्रेड प्लेस पर 9 है एंड थाउजेंड प्लेस पर 7. ओके, सो दैट्स ऑल. यू हैव टू डू द डी पार्ट इन होमवर्क. सो यू हैव टू पार्ट्स इन होमवर्क, डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड the first question is in homework and the part of the first question is in homework. होमवर्क में सिर्फ ये दोनों पार्ट करने हैं. आई थिंक डेसिमल क्लियर होगा आप सबको, इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. वी विल स्टार्ट विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इन आर नेक्स्ट वीडियो. हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. यू हैव टू रिवाइज दीज और लाइक और अनलाइक डेसिमल्स, इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ये सब भी हम किस में स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू क्लास, एंड कीप प्रैक्टिसिंग द डेसिमल.